हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। और जो आज मेरा व्लॉग आने वाला है वो है कालू सिद्ध का, जो कि पड़ता है बड़ोवाला भानियावाला देहरादून में। मैं लक्ष्मण सिद्ध जा चुकी हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं चारों सिद्धों को आपको अपने व्लॉग में दिखाऊँगी, मिस प्राची व्लॉग्स में। तो स्वागत करती हूँ मैं आपको अपने इस नए व्लॉग में, जो कि है कालू सिद्ध टेम्पल का। और मैं आज यहाँ जा रही हूँ। वैसे मान्यता है कि यहाँ रविवार जाए कोई, रविवार के दिन, तो उसका जो फल होता है वो अति उत्तम होता है। और जो आपके चारों सिद्ध होते हैं, अगर आप लोग उनके दर्शन एक ही दिन में पूरे करते हैं तो उसका फल बहुत ही अच्छा होता है। ये आप लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है, आप लोगों को जब भी जाना है। मैं अलग अलग ही दिन जा रही हूँ, तो आज मैं आपको ले जाऊँगी कालू सिद्ध अपने इस ब्लॉग में। और आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा और फिर चलते हैं। दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं कालू सिद्ध मंदिर। तो कालू सिद्ध मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप अब मेरे इस व्लॉग में बने रहिए, मैं करती हूं भगवान के दर्शन। प्रसाद मैंने बाहर से ले लिया है। आपको एक दुकान यहां पर परमानेंट, जो वहां पर गुड़ है, वो हमेशा आपको अवेलेबल मिलेगा। और जो बाकी यहाँ पर जो बाकी दुकान लगती हैं, रविवार को लगती हैं। तो अब मैं जाती हूँ, दर्शन करती हूँ। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। जो कालू सिद्ध मंदिर है ना, ये यहाँ पर जो है प्रसाद के रूप में वो गुड़ ही चढ़ाया जाता है। तो आपको मैं बता दूँ, बाहर पे दुकान है, वहाँ पर आप गुड़ की भेली मिलती है और उसके साथ आपको धूप, वो आपको जो कुछ भी लेना है, धूप दीप प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पर गुड़ ही प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। Thank you.
टफी वहाँ देखो हेलो गाइस कर दो, सबको हेलो गाइस कर दो, कर दो ना हेलो गाइस। गाइस डॉग जो होते हैं ना ये इंसानों से भी ज़्यादा वफादार होते हैं, मुझे तो डॉग्स बहुत पसंद है। मेरे घर पे भी एक देखा होगा आपने, उन्हें शेरू है। दोस्तों चार सिद्धों में से लक्ष्मण सिद्ध और कालू सिद्ध में तो मैंने एक चीज़ देखी ली, यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो अपना बैग है ना वो आपको हमेशा ऐसे रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा मेरी पूरी वीडियो में मेरा बैग ऐसे था, तो आप सोचना भी मत कि आप अपना बैग इधर उधर रख दो, क्योंकि वो तुरंत आपका बैग उठा के ले जा रहे हैं। बीच पे तो एक बंदरों को ले गए थे लेकिन ये पता नहीं कहाँ से फिर से आ गए, तो मैं आपको बता रही हूँ वही बात हो गई, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो ये देखिए बैग अगर ऐसा वाला ले आओ आप तो हमेशा ऐसे टाल के रखना पड़ेगा आपको अपने पीछे। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मंदिर, और इसके ठीक आप देख रहे होंगे राइट साइड में मंदिर के, तो यहाँ पे है जो जो यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो लोग मतलब जिन लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है वो लोग यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन कराते हैं रविवार के दिन। तो आप लोग अगर आइए तो रविवार को आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्व है। वैसे आप लोग आ सकते हैं लेकिन रविवार को यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है, मतलब महत्व है यहाँ पर रविवार को आने का। तो आप देख सकते हैं कालू सिद्ध मंदिर। और हाँ एक बात और, यहाँ पे जो बंदर है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ये है कि आपको ना जो आपने बैग लाया होगा वो आपको हमेशा अपने पास ही रखना होगा। और यहाँ आप जब मंदिर से थोड़ा बाहर की ओर आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा जंगल, और यहाँ पर है भैरव बाबा का मंदिर, और यहाँ पे आपको दिखेगा छोटा सा शिवलिंग। जो आपकी प्रसाद की दुकान है वो मंदिर के ठीक बाहर की ओर मेन रोड पर है, आपको जो प्रसाद है वो हमेशा अवेलेबल मिलेगा वहाँ पर। और जो रविवार को यहाँ पर जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जून के महीने में यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, और ये चार सिद्धों में से एक है। मैं पहले लक्ष्मण सिद्ध आप लोगों को दिखा चुकी, हमारे बच चुके हैं दो सिद्ध, मानक सिद्ध और मांडू सिद्ध, वो प्रेमनगर की तरफ हैं, तो वहाँ भी मैं आप लोगों को ले जाऊंगी मतलब अपने ब्लॉग में, और हम वहाँ के दर्शन करेंगे। आज मैं यहाँ पर आई हूँ तो आज सैटरडे है, यहाँ पे आज ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली तो मैं आराम से दर्शन कर पाई। शायद भीड़ होती तो मैं आप लोगों को इतने अच्छे से ये जो व्यू जो आपको दिखा पा रही हूँ वो इतने अच्छे से आपको नहीं दिख पाता। दोस्तों तो मैंने कालू सिद्ध के दर्शन कर लिए हैं, इधर पूजा चल रही थी तो मैं वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर पाई उन लोगों का, तो मैंने जो भगवान के दर्शन है वो आप लोगों को मैंने बाहर से ही करवा दिए थे। तो जो आपके दत्तात्रेय भगवान थे उनकी 84 शिष्यों में से एक शिष्य थे कालू सिद्ध बाबा, इन्होंने भोलेनाथ की यहाँ पर तपस्या की थी। आप देख रहे होंगे घने जंगलों के बीच जो साल के वृक्ष हैं यहाँ पर उन्होंने बैठ कर भोले बाबा की तपस्या करी थी। और जो आपके ये कालू सिद्ध बाबा हैं इनको छठ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, एक दो बार यहाँ पर छठ डालने की कोशिश की गई उनके शिवलिंग के ऊपर लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई और वो टूट गई। तो यहाँ पर जो कालू सिद्ध बाबा हैं उनके ऊपर छठ नहीं डाली जाती है, आपने देखा होगा वो एकदम खुली जगह के नीचे ही विराजमान हैं। जो देहरादून में चार सिद्ध हैं उनमें से एक है, और जो ये कालू सिद्ध मंदिर है ये आपका बड़ो वाला भानिया वाला के पास एक गांव पड़ता है, बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पर ये जंगलों के बीच में है, आप लोग यहाँ पर आइए, बहुत ही ये भी बहुत पीसफुल एरिया है, और आप लोग यहाँ आइए। कहा जाता है कि आप लोग यहाँ पर सच्चे दिल से कोई भी मन्नत मांगे अपने विश मांगे तो वो पूरी हो जाती है। रविवार को यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। तो दोस्तों मैंने कालू सिद्ध के दर्शन कर लिए हैं, मैं दो सिद्धों में जा चुकी हूँ, वैसे मैं यहाँ पर आज तीसरी बार आ रही हूँ, दो बार मैं पहले आ चुकी हूँ। मेरा बहुत ही मन था कि मैं कालू सिद्ध जाऊँ, और अब हमारे रह चुके हैं दो सिद्ध, वो भी मैं आप अपने ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, मतलब वहाँ जाऊंगी और आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो जो मैं आज अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ओके बाय बाय।